नमस्ते, मैं भारतवर्ष की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पीसकीपर के तौर पर आया हूं और हैती में मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं आसाम राइफल से ताल्लुकात रखता हूं और मेरा नाम वारंट ऑफिसर जगत सिंह है। मैं शादीशुदा हूं और मेरे दो बच्चे हैं। आसाम राइफल भारतवर्ष में एक सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है। इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को 7 स्टेटों को संभाल के रखा हुआ है, जिसमें मेन रोल आसाम राइफल का बॉर्डर गार्डिंग और इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम हैती में पहुंचे तो हमने यहाँ का हालात का जायज़ा लिया, तो हमने यह सोचा कि हम क्यों ना अपने कैंप के अंदर हर डे क्राउड कंट्रोल की कम से कम आधा घंटा ट्रेनिंग करके जवानों को परफेक्ट बनाएं। तो कभी ऐसे हालात आएँ जिस तरह से हम लास्ट मंथ में जैकमेल में गए थे, तो वहाँ पर हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमारी FPO2 ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा नाम कमाया, जो हमने अपने 6 महीने के दौरान ये चीज़ें देखी। तो हमारे दिल में एक भावना आई कि क्यों न हम कोई ऐसा अच्छा काम करें जो किसी संस्था के साथ में मिलकर इन्हीं गरीब लोगों को और जो दूर दराज के लोग हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें पहुँचना नामुमकिन। हमें मदर टेरेसा में जाकर एक सुनहरा मौका मिला जिससे हमें बहुत खुशी जाहिर हुई, जो कि मेरे भारतवर्ष में भी हम लोग यह चीज़ें काफ़ी बार लोगों को मदद पहुंचाते हैं। जब हम इन रास्तों से गुज़रे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें काफ़ी खुशी भी जाहिर हुई। जिस दिन से हैती में आए हैं, तो हमने फर्स्ट दिन ITP कैंप को ज्वाइन किया था, तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ लोगों को देखकर कि यहाँ पर इतनी गरीबी है, इतने लोग बेरोज़गार हैं, इनके पास खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, तकलीफ़ तो नहीं है किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम होने से हम उन लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको मेडिकल तक पहुंचाते हैं, अपने से ऊपर UNPOL ऑफिसर्स को बताते हैं और HNP के साथ मिलकर हम ये पेट्रोलिंग और UNPOL ऑफिसर्स के साथ मिलकर कंटिन्यू पेट्रोलिंग और भारतीय पीसकीपर होने के नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों को, गरीब लोगों को देखभाल करते हैं, फुट पेट्रोल के द्वारा हर जगह को कवर करते हैं। योगा भारत का एक बहुत पुराना व्यायाम है जिसे लोग पहले पुराने टाइम पर काफ़ी लोग करते थे। आज उस योगा का फ़ायदा हमारी फौज के अंदर भारतवर्ष में हर जगह इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, सो दैट जिससे कि लोग अपने मानसिक तौर पर, फिजिकली तौर पर अच्छी तरह से फिट रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौज में भी इस चीज़ को अपना रहे हैं। जो हम दूर दराज वाले इलाकों में नौकरी करते हैं, उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मार्शल आर्ट का बहुत ही खासा महत्व है, जिससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम लोग जगह जगह पर जाकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं और ख़ुद भी इसको अपने सैनिक जीवन में अपनाते हैं। ये 64 साल अभी हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो हर वर्ष हम 26 जनवरी को ये 26 जनवरी मनाते हैं और काफ़ी उत्साह के साथ, मेल मिलाप के साथ हम अपने झंडे को लहराते हैं। हम चाहे देश के किसी कोने में हों या दूसरे देशों के साथ नौकरी कर रहे हों, मन रे
काहे ना धीर धरे वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे।